हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे लंबर स्पाइन की कुछ एडवांस सर्जरीज के बारे में। यूजुअली जो स्पाइन की सर्जरीज हैं उनके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में कि स्पाइन सर्जरी के दौरान लकवा लगने का चांस होता है। आज के दिन जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उनसे जो लकवा लगने का चांस है वो लगभग ना के बराबर होता है। आज हम एक पर्टिकुलर सर्जरी के बारे में बात करते हैं जो हम फ्रंट से करते हैं। ज़्यादातर आपने स्पाइन सर्जरीज देखी होंगी कि जो इंसीजन है, जो चीरा है, वो आपकी पीठ पे लगता है। बट कुछ एडवांस सर्जरीज हैं जिनको हम ओलिफ बोलते हैं, वो हम आपके पेट के जरिए भी उनसे आपके स्पाइन तक पहुंच जाते हैं। आज हम इन्हीं ओलिफ सर्जरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अत्याधुनिक सर्जरीज हैं जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हुई हैं। इनमें हम स्पाइन के आपके अब्डोमन आपके पेट के जरिए पहुँचते हैं। इंसीजन हार्डली 3-4 सेंटीमीटर इंसीजन का साइज होता है जो कि आपके साइड में यहाँ पे लगता है। इस इंसीजन के द्वारा हम आपकी स्पाइन पे पहुँच जाते हैं और जो सर्जरी करनी है वो हम नर्व से अलग होके करते हैं। इस रास्ते के जरिए कोई भी आपकी जो स्पाइन की नर्व है वो हमारे रास्ते में नहीं आती है, तो चांसेस ये होते हैं कि आपका जो लकवा लगने का, जो स्पाइन सर्जरी के दौरान या नर्व को डैमेज होने का चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इन सर्जरीज के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये टोटली मिनिमल इन्वेसिव हैं, ब्लड लॉस इनमें हार्डली 30-40 ml होता है, और जब हम सर्जरी को इस एक्सेस के द्वारा जब आपकी सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम एक बेटर पोजीशन में स्पाइन को फिक्स कर सकते हैं। यूजली जो स्पाइन का कर्व होता है वो लार्डोसिस का होता है। जब हम पीछे से सर्जरी करते हैं तो स्पाइन को हम लार्डोसिस में फिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब हम फ्रंट से सर्जरी करते हैं, जो ओलिफ सर्जरी है, उससे जो एक आपकी नॉर्मल एनाटॉमी है उसी पोजीशन में हम स्पाइन को ईजिली फ्यूज कर पाते हैं। सर्जरी का ड्यूरेशन भी एज कम्पेयर टू पोस्टर सर्जरीज काफ़ी कम होता है इस टाइप की सर्जरीज के दौरान। अगर आपकी कोई बड़ी सर्जरीज हैं जैसे कि डिफॉर्मिटी करेक्शन, अगर आपकी स्पाइन टेढ़ी भी हो गई है तो भी इन सर्जरीज के द्वारा मिनिमल इन्वेसिव छोटे छोटे चीरे लगा के हम आपकी स्पाइन को सीधा कर सकते हैं।